दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है जो है यहाँ पे देख सकते हैं सनशाइन का है, और ये भी सनशाइन का है। ये मॉडल जो है SS304Q है, और ये मॉडल है 302Q। तो ये 302 ये तो ये फोन इसमें जो है ये आपका जो है जब भी आपका कोई भी फोन चार्ज लगाते हैं तो उसमें जो चार्ज होता है वो कितना स्पीड से होता है, या फिर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसमें फॉल्स चार्ज हो रहा है, चार्ज आपका बढ़ नहीं रहा है, तो वो जो है ये मशीन में लगाने से जो है पता चल जाता है कि मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कितना स्पीड से हो रहा है, कितना एम्पीयर से हो रहा है, तो फिर वो जो है इसमें पता चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 304Q में यहाँ पर जो है इसमें 6 डिस्प्ले है, और यहाँ पे 6 पोर्ट है। ये सभी 6 पोर्ट का इसमें 6 डिस्प्ले है, और सभी में जो है 5 वोल्ट कॉमन है, और यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे लगाएंगे वो नंबर का जो है पॉइंट आपका एक्टिवेट होगा, और फिर यहाँ पे एम्पियर जो है जितना स्पीड से आपका चार्ज लेगा वो यहाँ पे शो होगा। तो चलिए पहले इसको हम आपको इसमें करके दिखाते हैं कि कैसे ये आपका काम करता है, और फिर इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये जो है कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इसको हम अभी 4 नंबर पोर्ट पे लगा दिए हैं, और अभी जो है इस फोन को हम चार्ज लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोन को हम चार्ज लगा दिए, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है ये फोन चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर आपको इसमें दिखा देते हैं ये फोन चार्ज हो रहा है, और जो ये एम्पियर है ये यहाँ पे कितना एम्पियर से ले रहा है देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, और 2 एम्पियर से जो है ये मेरा फोन चार्ज हो रहा है, यानी कि जो स्पीड है वो बिल्कुल परफेक्ट स्पीड से जो है चार्ज हो रहा है। तो ये आपका एम्पियर जितना कम लेगा वो आपको उतना समझना है कि उतना स्लो जो है आपका चार्ज हो रहा है, और जितना आपका 2 एम्पियर तक लेता है तो आपको समझना है कि जो चार्ज हो रहा है वो आपका बिल्कुल जो है फास्ट चार्ज हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। तो ये आपका जो है इसमें सिर्फ यही जितने ये मशीन जो है इसमें एक साथ आप 6 पोर्ट का जो है यूज कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले दिया है जिससे जो है आपका कितना एम्पियर ले रहा है और कितना स्पीड से हो रहा है जिससे आप ये पता कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो है यही इसमें यूज में होता है, और सेम इसी का जो काम है वो इसमें मिनी में है। इसको आप चार्जर में लगाकर जो है यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है इसमें एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक वाला बटन है, ये रिसेट बटन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेस एंड होल्ड 2 सेकंड के लिए इस बटन को आप दबा के रखेंगे तो जो भी आपका इधर कुछ यहाँ पे इस सब में कुछ भी सेटअप आपका गड़बड़ होता है तो वो आपका जो है रिसेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको जो है इस पर चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा जो है काम करता है। तो इसको हम इसका केबल इस पर लगा दिए हैं, और अब यहाँ पर जो है इसको आप चार्जर में लगा सकते हैं, और चार्जर में ही ऐसे लगाना है आपको। अभी ये चार्जर की जैसा ही है इस पर, तो हम इस पर लगाते हैं, और फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है एम्पियर इसमें कितना लेता है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लगा दिए, यहाँ पे देखिए 2 नंबर पोर्ट में लगाएं तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, और 1.9 एम्पियर यहाँ से इसमें जो है आउटपुट हो रहा है, और यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि इसमें जो है मेरा कितना शो हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 वोल्ट मेरा इधर है, और एम्पियर जो है ये 1.70 के आसपास जो है यहाँ पर ये एम्पियर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम आपको इसी तरह आपको एक चार्जर में लगा के दिखाते हैं कि ये मेरा चार्जर में जो है ये कैसे काम करता है। चार्जर में इसमें इसको लगा दिया, और चार्जर मेरा जो है ऑन है, यहाँ पे लाइट भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है देख सकते हैं मेरा जो है ये एम्पियर नहीं ले रहा है, सिर्फ वोल्ट ले रहा है, वोल्ट इसमें शो हो रहा है, एम्पियर जो है शो नहीं हो रहा है। एम्पियर इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो हम इसको फोन को चार्ज नहीं लगाए हैं। अब यहाँ पे हम फोन को जो है इसको चार्ज लगाते हैं, और चार्ज लगाने के बाद यहाँ पे आपको हम इसमें दिखाते हैं कि जो है ये एम्पियर इसमें किस तरह से जो है शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन जो है मेरा चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर आपको हम इस पे डिस्प्ले में शो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा 5 वोल्ट है, और इधर एम्पियर जो है ये 1.78 यानी कि 1.8 एम्पियर के आसपास जो है मेरा यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह से जो है इसमें डिस्प्ले शो हो रहा है, हालांकि ये जो मेरा मशीन है उसमें जो है उसमें 2 एम्पियर लेता है, लेकिन इसमें एक जरा सा कम लेता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो से आपको कुछ इसमें जो हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।